जेसन हॉरर स्टोरी पार्ट 3 देखने से पहले इसके पिछले पार्ट्स जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में देखा था जेसन भुली भुली शॉन और केविन को मारने के लिए गेट तोड़ने ही जा रहा था कि तभी बाहर केविन का दोस्त आ जाता है और गेट बजाने लगता है। गेट की आवाज सुनते ही जेसन गेट की तरफ जाने लगता है। केविन गुल्ली गुल्ली को बताता है शायद ये उसका दोस्त है और हमें इसे बचाना होगा। गुल्ली गुल्ली शॉन और केविन पीछे की खिड़की से घर के बाहर निकल जाते हैं ताकि ये केविन के दोस्त को बचा सके। अब आगे गुल्ली गुल्ली शॉन और केविन घर के आगे की तरफ जाने लगते हैं ताकि ये केविन के दोस्त को जेसन से बचा सके, लेकिन इनके पहुंचने से पहले ही जेसन गेट खोल देता है। केविन का दोस्त जेसन को नहीं जानता है इसलिए ये जेसन को ही केविन समझ बैठता है। इसे लग रहा है कि केविन ही मास्क लगाकर इसे डराने आया है, मगर ये इसकी सबसे बड़ी गलती है। केविन का दोस्त जेसन का मास्क उतारने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगता है। जेसन इसका हाथ आगे आता देख इसका हाथ ही अलग कर देता है और देखते ही देखते जेसन इसके दो टुकड़े कर देता है। केविन ये सब देख रहा था और ये देखकर केविन की चीख निकल जाती है, जिससे जेसन केविन को छुपा हुआ देख लेता है और दौड़ता हुआ केविन की तरफ ही आने लगता है। गुली गुली शॉन और केविन जल्दी से भागते हैं, मगर इस बार केविन जेसन से नहीं बच पाता है। जेसन ने केविन को मार दिया है और अब जेसन गुल्ली गुल्ली और शॉन को भी नहीं छोड़ेगा। ये सब देखकर गुल्ली गुल्ली और शॉन बहुत डर जाते हैं और इन्हें बहुत बुरा भी लग रहा था कि ये केविन को नहीं बचा सके। तभी शॉन गुल्ली गुल्ली से कहता है हमें केविन का बदला जेसन से लेना होगा। गुल्ली कहता है शॉन हम केविन का बदला जरूर लेंगे, मगर हम जेसन से अकेले ही नहीं लड़ सकते हैं, हमें बाबा की जरूरत है। फिलहाल हमें गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल लेना चाहिए वरना जेसन हमें भी मार देगा। फिर गुल्ली गुल्ली और शॉन गाड़ी की तरफ जाने लगती हैं ताकि ये जेसन से बचकर यहाँ से निकल सकें। गाड़ी के पास पहुँचते ही गुल्ली गुल्ली और शॉन देखते हैं जेसन अभी भी वहीं खड़ा हुआ है और जेसन ने भी गुल्ली गुल्ली और शॉन को देख लिया है। जेसन दौड़ता हुआ इधर ही आने लगता है। गुल्ली गुल्ली और शॉन जल्दी से गाड़ी से दूर भागती हैं। जेसन ये समझ चुका है कि ये लोग गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने वाले थे, इसलिए जेसन गाड़ी को ही तोड़ने लगता है ताकि गुल्ली गुल्ली और शॉन यहाँ से बच के ना जाने पाए। जेसन गाड़ी को मार मार के गाड़ी की हालत खराब कर देता है। इधर गुल्ली गुल्ली और शॉन पैदल दौड़े ही जा रहे थे, बिना गाड़ी के तो ये लोग जेसन से बचकर ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद गुल्ली गुल्ली और शॉन को एक घर दिख जाता है। गुल्ली गुल्ली और शॉन से कहता है मैं आगे जाकर देखता हूँ, शायद हमें वहां से मदद मिल जाए। गुल्ली तेज दौड़कर आगे जाता है। घर के पास पहुंचते ही गुल्ली घर का गेट बजाता है। काफी देर गेट बजाने के बाद भी कोई गेट नहीं खोलता है। इतने में ही गुल्ली और शॉन भी आ जाते हैं। गुल्ली गुल्ली और शॉन से कहता है मुझे लगता है घर पूरा खाली पड़ा हुआ है, हमें घर के अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। इतने में ही शॉन को जेसन आता हुआ दिख जाता है और शॉन गुल्ली गुल्ली से कहता है जल्दी करो जेसन आ रहा है। गुल्ली गुल्ली और शॉन जल्दी से घर में जाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी इन्हें घर के पीछे एक खिड़की दिखती है। तीनों इस खिड़की से ही अंदर जाने का फैसला करते हैं। गुल्ली गुल्ली और शॉन खिड़की तोड़कर घर के अंदर जाने लगते हैं।
खिड़की टूटने की आवाज से घर का मालिक जाग जाता है और ये समझता है कि खिड़की तोड़कर कोई चोर अंदर आ गया है और ये जल्दी से पुलिस को फोन लगा देता है। फिर जब ये गुल्ली गुल्ली और शॉन को देखता है तो कहता है, तुम लोग कौन हो? यहाँ पर चोरी करने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ से चले जाओ। गुल्ली कहता है, देखो हम चोर नहीं है, हमारे पीछे एक खूनी दरिंदा पड़ा हुआ है जिसका नाम जेसन है। वो दो लोगों को पहले ही मार चुका है और अब वो हमारे ही पीछे आ रहा है। तभी ये घर का मालिक कहता है, तुम जिस खूनी जेसन की बात कर रहे हो वो बहुत पहले ही मर चुका है। मैं जानता हूँ तुम लोग चोरी करने आए हो, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, पुलिस यहाँ पहुँचती ही होगी। इनकी बहस चली रही होती है कि तभी बाहर गेट बजने लगता है। घर के मालिक को लग रहा है कि बाहर पुलिस आ चुकी है और ये गेट खोलने के लिए जाने लगता है। तभी बुल्ली इसे मना करता है, गेट मत खोलो, बाहर खूनी जेसन खड़ा हुआ है, वो हम सबको मार देगा। लेकिन ये बुल्ली की एक नहीं सुनता है और जाकर गेट खोल देता है। गेट खोलते ही जब ये खूनी जेसन को अपने सामने खड़ा हुआ देखता है तब इसे अपनी गलती का एहसास होता है और ये जल्दी से गेट बंद करने लगता है। लेकिन जेसन गेट बंद होने से रोक लेता है और गेट में अपना हाथ लगा देता है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली भी गेट बंद करवाने लगती है और बुल्ली कहता है, शॉन तुम किसी भी तरीके से जेसन का ये हाथ हटाओ, हम ये गेट ज़्यादा देर नहीं रोक सकते हैं। तभी शॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जेसन के हाथ में काट लेता है। शॉन का ये आइडिया काम आता है और जेसन अपना हाथ बाहर कर लेता है। गेट बंद करके घर का मालिक गुल्ली गुल्ली और शॉन पर भड़कने लगता है और कहता है, तुम लोगों ने यहाँ पर आकर मुझे भी फंसा दिया है, अब जेसन तुम लोगों के साथ साथ मुझे भी मार देगा। और तभी ये देखकर गुल्ली गुल्ली और शॉन सीधे घर के ऊपर की तरफ भागते हैं। जेसन भी इनके पीछे आने ही वाला होता है। तभी पुलिस यहाँ पर पहुंच जाती है। घर के मालिक ने ही पुलिस को फोन लगाया था लेकिन ये तो अब जेसन के हाथों मारा जा चुका है। जेसन पुलिस को आता देख घर के अंदर जाकर छुप जाता है। गुल्ली गुल्ली और शॉन भी छत से पुलिस को देख रहे हैं और इन्हें ये लग रहा है कि पुलिस इन्हें अब जेसन से बचा लेगी। गाड़ी में से दो पुलिस ऑफिसर्स उतरते हैं और दोनों गुल्ली बुल्ली और शॉन की तरफ ही देखने लगते हैं। तभी बुल्ली ऑफिसर्स को बताता है, नीचे एक खूनी है जिसका नाम जेसन है, इसी ने ही घर के मालिक को मारा है और दो खून ये पहले ही कर चुका है, इसे यहाँ से पकड़ के ले जाओ वरना ये हमें भी मार देगा। और तभी जेसन एक पुलिस ऑफिसर को मार देता है और ये देखकर दूसरा पुलिस ऑफिसर जेसन के ऊपर फायरिंग करने लगता है। जेसन वापस से घर में चला जाता है। पुलिस ऑफिसर को ये लगने लगता है कि जेसन डर गया है और पुलिस ऑफिसर जेसन की तरफ ही बढ़ने लगता है। जेसन बड़ी चालाकी से दोनों पुलिस ऑफिसर को मार देता है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन घर के पीछे की पहाड़ी पर कूदकर सीधे जंगल की तरफ भागती है। जेसन भी इनके पीछे जंगल की तरफ जाने लगता है। ये क्या, ये तो बाबा हैं, लेकिन बाबा आखिर यहाँ पर कैसे पहुंचे? गुल्ली की तो बाबा से फोन पर बात भी नहीं हो पाई थी, फिर आखिर बाबा को कैसे पता चला कि गुल्ली बुल्ली और शॉन किसी मुसीबत में है? और क्या बाबा और जेसन की लड़ाई होने वाली है? क्या बाबा जेसन की धुलाई करेंगे? और आखिर बाबा यहाँ पर कैसे पहुंचे? ये सब हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल सके।